अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं फर्स्ट फाइट डॉट टीवी। देवभूमि उत्तराखंड में बीते दिन कुदरती आफत ने फिर अपना कहर बरपाया है। ग्लेशियर टूट जाने के कारण चमोली में बड़ा नुकसान हुआ, जहां पानी के तेज बहाव में काफी कुछ बह गया। प्लांट से लेकर पुल और घर तक को इससे हादसे में नुकसान हुआ है। अभी तक कुल 15 शव मिल चुके हैं, जबकि 150 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन से लेकर सेना तक रेस्क्यू में जुटी हुई है और राज्य एवं केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। इसी के साथ कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। ITBP और SDRF की टीम लगातार बचाव काम में जुटी हुई है। चमोली पुलिस ने ट्वीट कर लोगों को सतर्क रहने को भी कहा है। वहीं उत्तराखंड के जोशी मठ की तबाही में उत्तर प्रदेश के जिले सहारनपुर के अंभेटा कस्बे के 3 युवक भी लापता हो गए हैं। स्वजन से मिली जानकारी के अनुसार रिजवान पुत्र इलियास निवासी मोहल्ला छापरी, अब्दुल पुत्र सफी व माजिद पुत्र खलील निवासी मोहल्ला छापरी उत्तराखंड के चमोली में मजदूरी करने के लिए गए थे। स्वजन को आपदा का पता चला तो युवकों से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। परेशान स्वजन ने जिलाधिकारी सहारनपुर कार्यालय व उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तीनों युवकों के घरों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं मेरठ में भी प्रशासन अपनी नजर बनाए हुए है। डीएम के बालाजी ने गंगा तट पर बसे गांव का निरीक्षण किया। रविवार को डीएम के बालाजी, एडीएम सुभाष प्रजापति, एसडीएम मवाना कमलेश गोयल और सिंचाई विभाग के एसडीओ पंकज जैन के साथ हस्तिनापुर क्षेत्र के खादर इलाके में पहुंचे। अधिकारियों ने फतेहपुर प्रेम में बन रहे तटबंध का निरीक्षण किया। सिंचाई विभाग को जल्द ही तटबंध का काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड से आगे बढ़ रहे पानी के चलते खादर क्षेत्र में 5 बार चौकी बनाई गई है, जिनमें मखदुमपुर, धूतली, तारापुर, लतीफ कपर और खरकाली पर लेखपालों को तैनात किया गया है। इसी के साथ उन्हें 24 घंटे अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।